आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं अभिनंदन फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के धार्मिक व सामाजिक समाचार कुछ इस प्रकार हैं। लुधियाना में 14 अप्रैल को भव्यति भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है, जो कि लुधियाना के विभिन्न क्षेत्रों को लाभ प्रदान करेगी। यह प्रभात फेरी SS जैन बिरादरी रूपा मिस्ट्री गली से श्री दीपचंद जैन, सुमित जैन, मैसेज राजदीप हौजरी वालों की तरफ से ध्वज फहराकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। यह प्रभात फेरी बैंड बाजों के साथ शंगलाशवाला रोड 3 नंबर डिवीजन चौक चौड़ी सड़क से होते हुए श्री मोतीराम जी समाधि स्थल पर समाप्त होगी। यह मूल्य जानकारी कल सिविल लाइन से जैन स्थानक में एक अहम मीटिंग के दौरान आत्मा चैनल को दी गई, जिसमें सकल जैन संघ उपस्थित हुआ। 14 अप्रैल को यह शोभा यात्रा प्रातः 5:30 बजे ध्वज फहराकर रवाना की जाएगी। जय जिनेश्वर देव की। सर्वप्रथम सभी इस चैनल के माध्यम से महावीर जैन जन्म कल्याणक, जो हम 14 तारीख को सामूहिक रूप से पूर्ण उत्तरी भारत से जो हम इकट्ठे मना रहे हैं, हम सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को सादर आमंत्रण देते हैं कि 14 तारीख अप्रैल रविवार को सुंदर नगर क्षेत्र में, और उसमें SS जैन बिरादरी रूपा मिस्त्री स्ट्रीट और श्री शांतिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर कमेटी, और इसके साथ साथ श्री आदिनाथ जैन सेवा संघ सुंदर नगर से सभी के इकट्ठे प्रयासों से जो ये शोभा यात्रा और महावीर जन्म कल्याणक हम मनाने जा रहे हैं, हम सभी को सपरिवार आमंत्रण देते हैं और अधिक से अधिक संख्या में इसमें सम्मिलित होकर पुण्योपार्जन करें। इसमें बहुत ही भव्यति भव्य जो शोभा यात्रा है, जो रूपा मिस्त्री स्ट्रीट से प्रारंभ होकर जो मोतीराम महाराज जी की समाधि स्थल से होती हुई वो सुंदर नगर श्री शांतिनाथ जैन मंदिर सुंदरनगर में पहुंचेगी, और वहां से जो है रथ में बिठाकर परमात्मा हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी की प्रतिमा को रथ में विराजमान करके पूरे सुंदरनगर क्षेत्र में महावीर कॉलोनी में होती हुई ये शोभा यात्रा जो किंग लक्ष्मी पैलेस है सुंदरनगर में, उसमें संपन्न होगी। और इसमें जो लाभार्थी परिवार हैं उनका सभी का बहुमान किया जाएगा, और इसके साथ साथ सभी जो भी इसमें सम्मिलित भाई बहन हो रहे हैं, सपरिवार सम्मिलित हो रहे हैं, उनके अल्पहार का आयोजन भी वहाँ लक्ष्मी पैलेस में हो रहा है। तो मैं एक बार फिर इस हमारे प्रथम श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म कल्याणक के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आमंत्रण देता हूं कि जो ये भव्यति भव्य शोभा यात्रा निकलने जा रही है, तो सभी सपरिवार इसमें अवश्यमेव सम्मिलित हों। आपको बहुत बहुत जय जिनेश्वर देव की। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सर्वप्रथम मैं बहुत ही हर्षित हूं कि हमारे यहाँ के विभिन्न संघ महावीर जयंती के पावन अवसर पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम अपने अपने भावों के साथ लेकर आ रहे हैं, और आज हमारे यहाँ सिविल लाइन श्री संघ में बहुत ही सुंदर हर साल की तरह एक शोभा यात्रा भव्यति भव्य शोभा यात्रा शुभारंभ होने जा रहा है, जो लुधियाना के हमारे जो बड़ा हमारा जैन स्थानक है शहर का रूपा मिस्त्री गली से शुरू होकर और आगे की विभिन्न समाजों की तरफ बढ़ता हुआ, आगे मोतीराम महाराज की समाधि की तरफ होता हुआ सुंदर नगर लक्ष्मी पैलेस की तरफ जाएगा। तो 14 अप्रैल का जो भव्य आयोजन है उसके लिए 14 अप्रैल का जो भव्य आयोजन है उसके लिए समस्त श्री संघ एवं युवक संघों को हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं, और इसी संदर्भ में आज 4-3 तारीख को लुधियाना के जो हमारे सिविल लाइन जैन संघ में इस संदर्भ में
उसकी एक बहुत ही सुंदर मीटिंग भी रखी हुई है और सभी युवक संघ एवं हमारे नौजवान साथी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लुधियाना से कैमरन बलविंदर के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। आइए अब आपको लेकर चलते हैं अगले समाचार की ओर। आज लुधियाना के USPC जैन स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से हर साल की तरह इस साल भी 4 अप्रैल को स्कूल के प्रांगण में फाउंडेशन डे बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों को भोजन भी कराया गया। जय जिनेन्द्र टू एवरीबडी। USPC जैन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आज फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ है क्योंकि USPC जैन परिवार ने आज 31 साल पूरे कर लिए हैं और पूरे ही हर्ष और उल्लास के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे, हर सीढ़ी हर चुनौती को पार करते जाएंगे। आज के दिन में हमने नवकार मंत्र महामंत्र का जाप रखा था स्कूल में बच्चों को ब्लेसिंग्स देने के लिए और एक नया साल एक अच्छे तरीके से शुरू करने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमने किया भी। हमारे बच्चों ने बहुत खूबसूरत भजन भी गाए और भगवान के साथ जुड़े और भगवान जी का आशीर्वाद लिया। महाराज जी हमारे स्कूल में हमेशा ही विराजमान रहते हैं और हमें ब्लेस करते रहते हैं ताकि हम अच्छा काम कर सकें। आज पूरे स्कूल के बच्चों को और स्टाफ को मैनेजमेंट की तरफ से प्रीति भोज के लिए भी आमंत्रित किया गया है और सभी बच्चों को आज बहुत ही अच्छा लंगर भी दिया जाएगा और पूरे स्कूल को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। बच्चों का बहुत अच्छे से वेलकम किया गया है और हम आशा करते हैं कि भगवान हमें इसी तरह ब्लेस करते रहेंगे और आने वाले सालों में हम अपना फाउंडेशन डे हर साल मनाते रहेंगे। जय जिनेन्द्र। आज हमारे स्कूल श्रम श्री पूर्णचंद जी महाराज जी के नाम से जो चल रहा है उस स्कूल को 31 साल पूरे हो गए। श्रमण जी की बहुत ही इच्छा थी कि एजुकेशन सोसाइटीज़ खोली जाएँ, एजुकेशन स्कूल खोली जाए। उनके नाम से हमारी सोसाइटी ने जो ये स्कूल खोला था वो आज 31 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब हम और आगे आगे श्रमण जी के आशीर्वाद से आगे आगे बढ़ रहे हैं और हमारा स्कूल दिन रात तरक्की कर रहा है। सभी लुधियाना वासियों को हमारे स्कूल की तरफ से आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। लुधियाना से कैमरन बलविंदर के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। प्रवचन भास्कर आचार्य श्री विनय कुमार जी महाराज साहिब लुधियाना के बालगंज चौक स्थित 13 पंथी जैन भवन में विराजमान है। इस मौके पर महाराज साहब ने प्रवचन एवं पाठ से भक्तों को संबोधित किया। इस मौके पर महाराज साहब ने आगामी प्रोग्राम के बारे में दर्शकों को विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी। सतत जागरूक रहूंगा, दलबंदी को प्रोत्साहन नहीं दूंगा। मैं जैन स्वतंत्र 13 व्यक्ति डालोकर को प्रश्रय नहीं दूंगा। सामायिक करने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा। मैं सम्यक दीक्षा के चारों पद्मम् हवयि
मंगलम पद्मम अवहि मंगलम। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों के चलते सियासी माहौल काफी गर्मा चुका है। इसी मौके पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा इलेक्शंस के चलते चेकिंग अभियान शुरू किया गया, जिसमें कि पुलिस कर्मचारियों ने पब्लिक को यह आश्वासन दिया कि लोकसभा चुनावों के चलते किसी भी गलत एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। जहाँ पर रोका वहाँ पर रोका। अज इलेक्शन संबंधी नाकाबंदी करके गड्डियां मोटरसाइकिल प्रॉपर थोरली हर बंदे की चैकिंग की जा रही है सख्ती नाल। जिदे को भी कोई इतराज योग चीज़ मिलेगी वो खिलाफ़ कानून मुताबक बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और इस इलेक्शन ड्यूटी दौरान कोई भी अनसुखावी घटना ना वापरे इस मद्देनज़र रखते हुए सारे इलाका जमीन नंबर 7 के एरिए नाकाबंदी करके सख्त चैकिंग की जा रही है। लुधियाना से कैमरामैन सूरज के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। श्रम संघीय सलाहकार भीष्म पितामह श्री सुमित प्रकाश महाराज साहिब ठाणे 2 लुधियाना के सुंदरनगर से जैन स्थानक में विराजमान है। कल महाराज साहब इफार करते हुए 39 सेक्टर चंडीगढ़ रोड से जैन स्थानक में पधारेंगे और 6 तारीख को प्रातः 6:30 बजे प्रवचन और पाठ होंगे। स्वामी की श्रमण संघीय सलाहकार विषम पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के शिष्य जैन धर्म प्रभावक मधुर वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज साहब ठाणे 2 कल प्रातः सुंदरनगर के जैन स्थानक से प्रातः 6:30 बजे मंगल विहार करके 39 सेक्टर जैन स्थानक में पहुंचने का भाव रखते हैं और परसों से वहां प्रातः 8:30 से 9:30 बजे तक जैन स्थानक 39 सेक्टर के अंदर प्रवचन रहेगा। आप सभी से अनुरोध है कि प्रवचन में पहुंचकर धर्म का लाभ लें। लुधियाना से कैमरामैन विपिन के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। लुधियाना के गौशाला के नज़दीक श्री मोतीराम जी समाधि स्थल पर हर वीरवार की तरह इस वीरवार को भी भोले बाबा जी का पाठ रखा गया। आयोजकों का कहना है कि वीरवार को महाराज साहिब स्वर्गति को प्राप्त हुए थे, इसके उपलक्ष्य में आज भी पाठ रखा गया है। यहाँ पर गौशाला चौक में आचार्य श्री मोतीराम महाराज जी की समाधि है। वहाँ पर भोले बाबा जी बहुत देर रहते थे और रहे थे और उन्होंने ये पाठ शुरू करवाया था। वीरवार को उनका उस दिन स्वर्गवास हुआ था। जब से ये पाठ वीरवार को होता है, हर महीने 4 वीरवार आए चाहे 5 वीरवार आए, हर वीरवार को यहाँ पर बहुत रौनक लगती है। सभी बहन भाई बड़ी श्रद्धा से आते हैं। लुधियाना से कैमरामैन विपिन के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट।
आइए अब आपको लेकर चलते हैं जलंधर की ओर, जहां बिल्ली चौक पिंड के बिल्ली चौक स्कूल में सालाना इनाम वितरण प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कि बच्चों को इनाम वितरित किए गए एवं अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। नंबरदार सरदार टोंटेंग जी, प्राइमरी कैडर के कई बार बीपीओ साहब अपनी जेब दे विचों भी खर्च कर कि इन्होंने बच्चों ने अपना आइटम पेश की और भरपूर इनाम की बरखा की गई और मेरी कोशिश यह होगी जलंधर से आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। लुधियाना के मास्टर तारा सिंह कॉलेज में आज जूनियर्स बॉर्न वॉयस टू सीनियर्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया। मास्टर तारा सिंह मेमोरियल कॉलेज फॉर वीमेन विच बहुत ही खुशी का माहौल है। कॉमर्स के आई टी डिपार्टमेंट के सैकेंड ईयर के विद्यार्थियों ने अपने सीनियर्स लिए अज बहुत ही कलरफुल फेयरवेल पार्टी का अरेंजमेंट किया है। बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किया है, मिस फेयरवेल कॉन्टेस्ट भी कराए गए हैं, जूनियर्स ने बच्चों के लिए सीनियर्स लिए एक कोरियोग्राफी भी पेश की है। मैनू ये दसदियाँ बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि जिहड़ा ये दिन है ये बच्चों लिए बहुत ही खास दिन हुंदा है। वो जिंदगी का एक पड़ाव पूरा कर चुके हुंदे ने ते अपने सुपनियां नू साकार करन लई अगले पड़ाव वल कदम वधा रहे हुंदे ने। चाहे बच्चों दीयां यादां साडे नाल जुड़ जांदियां ने, चाहे वह 3 साल कॉलेज विच रहिंदे ने, चाहे 5 साल रहिंदे ने, उहनां दीयां यादां नू असीं समेट के रखदे हाँ, पर नाल ही असीं उहनां नू अगे सफलता प्राप्त करने लिए उन्हें शुभ इच्छावां दिंदे हाँ। मैं अज के दिन विच कॉलेज की प्रबंधक कमेटी वालों अते स्टाफ वालों अते अपने वालों सारे बच्चे जो कि इत्थों विदा लैके जा रहे हैं उन्होंने शुभ इच्छावां दिंदी हैं कि वो एक जिंदगी दे सफल मुकाम ते पहुँचन, अपने माता पिता का नाम रोशन करन ते साडे कॉलेज का भी नाम रोशन करन। धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन सूरज के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं अभिनंदन कल फिर हाजिर रहूँगा कुछ और धार्मिक व सामाजिक समाचारों के साथ। आप यूँ ही देखते रहिए और बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।